यार, बहुत ही औसम चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अगर आपने इस वीडियो की बेसिक जानकारी अगर आपने ले ली, कॉन्सेप्ट अगर आपने ले लिया, तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे के सारे सोल्व होने लगेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, आपको सीखना पड़ेगा और बहुत छोटा सा है। अगर आपने ये सीख लिया, समझ जाइए कोई क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, इसमें मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। बिल्कुल हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल हम लेके चल रहे हैं कि कोई अगर स्टार्टिंग से तैयारी करने वाला है, उसको भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर कोई भी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेगा तो उसको भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो सारे स्टूडेंट को हम साथ में लेकर के यहाँ पर चलेंगे। मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो मूलधन या हो प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। उसके बाद यहाँ देख लेंगे मिश्र धन। क्या देखेंगे? मिश्र धन देखेंगे। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। और ये अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो ये अपने आप में प्रिंसिपल प्लस में एसआई यानी कि साधारण ब्याज ये होता है, ठीक है ना। अब देखो आप, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट हो गया? तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 100% प्लस में। एसआई में क्या क्या होगा? आर इंटू टी होगा। क्या होगा? आर इंटू टी होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा? दर रहेगी। क्या रहेगी? दर मतलब कि रेट। और क्या रहेगा? समय मतलब कि टाइम। और रहेगा एसआई अर्थात साधारण ब्याज। क्या रहेगा? साधारण ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज। तो ये चीज़ें रहने वाली है, जिसको बोलेंगे हम एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज होता क्या है? तो साधारण ब्याज होता वो है कि जो हर वर्ष इक्वल चलता है। हर वर्ष क्या चलता है? इक्वल। किसी भी प्रिंसिपल पर हर वर्ष अगर मान के चलते हैं 1,000 रुपये प्रिंसिपल है, अगर उसमें 1 साल का ब्याज अगर 200 रुपये है, तो दूसरे साल में भी 200 होगा, तीसरे साल में भी 200 होगा, चौथे साल में भी 200, पांचवें साल में भी 200। मतलब कि हर वर्ष समान समान रूप से लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। तो ये टर्म रहेंगी, आपको यह याद रखना होगा, ये याद रखना होगा। अब देख लेते हैं क्या होने वाला है। दर हमारे पास है, टाइम हमारे पास है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये होता क्या है? ये होता है आर इंटू टी होता है। क्या होता है? आर इंटू टी होता है। इसको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ देखना पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। एस आई बराबर होता है आर इंटू टी। क्या होता है? आर इंटू टी अर्थात दर में समय का गुणा करने पर हमें क्या मिल जाता है? एस आई मतलब कि साधारण ब्याज मिल जाता है। समय दिया है, आर दिया है। और मिश्र धन का कैसे होता है? मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल प्लस एस आई का मतलब क्या हुआ? अभी देखा आर इंटू टी। तो 100 में आर इंटू टी कर दोगे प्लस में, तो वो बन जाएगा अमाउंट। क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। और अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो अमाउंट से माइनस कर दो एस आई, तो बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया? तो आया होगा बिल्कुल, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। अगर हमें देखना होगा और क्या देखने हैं, हमें यहाँ पर देखना है एस आई निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये होता है एस आई का फॉर्मूला अर्थात साधारण ब्याज का फॉर्मूला। क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो ये साधारण ब्याज हो गया। तो ध्यान से समझना कि एस आई तो निकाल लिया हमने, लेकिन जब कभी भी अगर रेट आपको निकालनी हो, टाइम आपको निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो यहाँ पर जब आपने देखा
आपने देखा कि आर निकालना है, क्या निकालना है आर, तो एसआई एसआई किसके बराबर होता है, आर इंटू टी के बराबर होता है। एसआई किसके बराबर होता है, आर इंटू टी के बराबर होता है। जब बराबर होता है तभी हम बटे में रखते हैं, बराबर होता है तभी किस में रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। तो ये आर यहाँ पर पहुँच गया, मतलब इसका आर यहाँ से चला गया, इसका आर यहाँ से चला गया। अब ये भी परसेंटेज में है, ये भी किस में, टोटल परसेंटेज में है। या फिर एक काम कीजिएगा आप, तो यहाँ पर क्या लगा लीजिएगा 100, या फिर यहाँ पर क्या रहेगा 100 पहले से ही था तो ये 100 लग गया, क्या लग गया 100 लग गया। लेकिन ये कब की कंडीशन में, रुपए की कंडीशन में। अगर ये परसेंटेज होता तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लगाते। जैसे कि एक क्वेश्चन समझ ही लेते हैं हम, एक क्वेश्चन समझ ही लेते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया है 2000, प्रिंसिपल क्या दिया है 2000 दिया है, दर दी है आपको 10%, टाइम दिया आपको 2 वर्ष, टाइम दिया आपको 2 वर्ष, तो आपको एफआई निकालना है। तो इस एक क्वेश्चन से आप क्या निकालोगे, प्रिंसिपल भी निकाल लोगे, दर भी निकाल लोगे, वर्ष भी निकाल लोगे, एसआई भी निकाल लोगे। देखते हैं पहले एसआई दिया, एसआई निकालना है आपको, तो एसआई पी इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 लिखना है। ये आपको अभी के तरीके से देखना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे वो तरीका और होगा। देखो पी इंटू आर इंटू टी, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एसआई बराबर पी कितना दिया है 2000, आर कितना दिया है 10%। ये आखिरी क्वेश्चन समझेंगे इस फॉर्मूले से। टाइम कितना दिया है 2, अपॉन में क्या है 100, तो 10 से 10, 20 से 20, तो 200 का दुगना 2 में क्या कितने होगा 400, यानी कि एसआई कितना आ गया 400 आ गया, कितना आ गया 400 आ गया। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, 400 आ गया। लेकिन अब और बात देखो, हमें प्रिंसिपल इस बार नहीं दिया, प्रिंसिपल इस बार नहीं दिया, तो आपको क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, क्या निकालना होगा प्रिंसिपल। तो एसआई देखो कितना दिया है आपको 400 दिया है। अब एसआई ये क्या है, समझना बात को, ये क्या है एसआई है ना, और एसआई किसके बराबर होता है आर इंटू टी के बराबर होता है। आपको मैंने अभी बताया है एसआई किसके बराबर होता है, आर इंटू टी के बराबर होता है, और बराबर होता है तभी हम उसको बटे में रखते हैं। तो आर क्या है 10 है, इंटू टी क्या है 2 है, अर्थात ये वाली वैल्यू बटा दें हम तो इसके बराबर है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 100 का लगाएंगे इंटू में, तो 0 से 0, 2 से कैंसिल आउट किया 20 बार, और 20 का इंटू 100 में करोगे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें नहीं दिया है परसेंटेज, नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है परसेंटेज नहीं दिया है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 400 रुपये आप कैसे निकालते थे, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 ऐसे ही निकालते थे। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया है आर नहीं दिए, क्या नहीं दिए आर, तो एसआई कितना दिया आपको 400 दिया है, कितना दिया है 400, पी दिया है कितना 2000, इंटू आर नहीं दिया निकालना है, टाइम दिया कितना 2, अपॉन में कितना निकालना है 100, 0 से 0, 0 से 0, 10 से 10 कैंसिल आउट, और 2 से कितना कैंसिल आउट 20 बार, और 2 से कितना कैंसिल आउट 10 बार, यानी कि 10 आया किसके बराबर आर के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा। तो हम निकालेंगे डायरेक्ट 400 रुपये ब्याज मिला हम किस पर 2000 पर, किस पर मिला 2000 पर मिला, और यहाँ पर कितना टाइम था 2 टाइम था, और निकालनी क्या थी दर, तो जो निकालना होगा वो इधर आएगा और जो दिया होगा वो इधर आएगा, और इनटू में क्या लगा देंगे 100, 1 2 3 1 2 3, 2 से कैंसिल आउट किया कितना 2 2 4, 4 से कैंसिल आउट किया कितना आया 10, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 10% आ गया। तो इस प्रकार से सारे के सारे हम क्या टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एसआई अपॉन में होता है कितना आर इंटू टी होता है, ये ध्यान रखना आपको। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। दर निकालनी हो तो क्या लगाएंगे अपॉन में टी लगाएंगे, अपॉन में क्या लगाएंगे टी लगाएंगे, प्रिंसिपल पे तो निकालेंगे निकालेंगे,
और अगर टाइम निकालना है तो क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के साथ साथ आपको वो तरीका याद होगा कि एक अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 10% रह जाता है, दो अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 1% रह जाता है, और तीन अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 0.1% रह जाता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, हम तो इसी क्वेश्चन को देखेंगे। जब दो समान राशि 5 और 3 साल के लिए दी, जब दो समान राशि थी, प्रिंसिपल क्या था यहाँ पर, सेम था, क्या था, सेम, और एक टाइम कितना था, और एक में टाइम कितना था, तो एक में टाइम 5 वर्ष था और एक में टाइम कितना था, 3 वर्ष था, कितना था, 3 वर्ष, और एक के लिए 7% और दूसरे के लिए कितना है, ये दर हो गई 7% और दूसरे के लिए दर कितनी है, 9%। जमा की जाती है तो उसके साधारण ब्याज का अंतर, इन दोनों के साधारण ब्याज का, आप देखो R इंटू टी कितना होता है, आपको पता है R इंटू टी, ये मैं आपको रटवा दूंगा, इतने ही बार हम इसको यूज़ कर लेंगे, प्रोनंसिएशन कर लेंगे कि आपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। R इंटू टी बराबर होता है SI, R इंटू टी बराबर होता है कितना, SI, साधारण ब्याज, तो 5 7 कितने हो गए, 35 हो गए, तो SI बराबर कितना आया, 35% आया, देखो परसेंट के साथ इंटू किया तो परसेंट आया, SI बराबर कितना आ गया, 9 3 27 आ गया। अब देखो अंतर कितने का है अभी इस समय पर, तो 35 और 27 में अंतर है 8 का, कितने का है, 8% का, और रुपए में कितना दिया है आपको, 475 दिया है, कितना दिया है, 475, ये तो ये परसेंट में और ये रुपए में आपस में बराबर है, ये भी SI है परसेंट में, ये भी SI है परसेंट में, अंतर वाला है, तो 475 बराबर है 8 के। हम निकालेंगे क्या, प्रिंसिपल निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, राशि निकालेंगे, तो राशि अपने आप में कितनी परसेंट होगी, अपने आप में 100% होगी, कितने परसेंट होगी, 100% होगी, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 5 कितने हो गए, 40 हो गए, बच कितने का है, 7 हो गए, कितने, 75, 8 6 कितने हो गए, 8 9 कितने हो गए, 72 हो गए, 8 9 कितने हो गए, 72, 3 बज गए, अब 3 में भाग जा नहीं रहा है तो पॉइंट लग गया, अब क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा है तो 30 हो गए, तो 8 3 कितने हो गए, 24, बच गए कितने, 6, तो 8 7 कितने हो गए, 56, बच कितने का, 4, 8 5 40। अब जब 100 का इंटू करेंगे तो ये पॉइंट किस तरह खिसक के आएगा, दो अंक इधर खिसक के आएगा, तो 59 37.5, यहाँ था पॉइंट, दो अंक इधर खिसक के आ गया, तो 59 37.5 प्रिंसिपल था इसका, 59 37.5 कहाँ है, ये है भैया, तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साधारण ब्याज को भी इस क्वेश्चन को देख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम मूलधन निकालना, दर निकालना और समय निकालना, ये देखेंगे हम। एक किसी व्यक्ति निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। दर कितनी थी, 5% थी, निश्चित राशि थी, प्रिंसिपल अपने आप में फिक्स था। 15 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी जाती है, तो 250 रुपये कम है, उधार दी गई राशि ज्ञात करो। तो देखेंगे हम ये, इसको देखने वाले क्या है, तो देखते हैं इसको भी, तो हम देखेंगे SI, क्या देखेंगे, SI, SI आपको अच्छे से पड़ता है, R इंटू टी होता है, क्या होता है, R इंटू टी होता है, लेकिन SI परसेंट में निकलेगा, किस में निकलेगा, परसेंट में। R कितनी थी, 5%, टाइम कितना था, 15 वर्ष, कितना था, 15 वर्ष था, तो SI कितना हो गया, 15 5 75। अब जो राशि थी अपने आप में कितनी थी, 100% थी, अब तो ये किससे कितना कम है, आप बोलोगे भाई 25% कम है, कितना कम है, 25% कम है, रुपए में कितना कम है, 250 रुपये कम है, यानी कि 25% के बराबर है 250 रुपये, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना माना था, कितना माना था, 100, तो 25 से कितनी बार, 10 बार, 10 क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, मूलधन याद कीजिए।
तो देखते हैं हम यहाँ पर फिर वही बात करते हैं हम, एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है, लेकिन ये परसेंटेज में होता है। ये एसआई बराबर आर इंटू टी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ गए ना आप तो किसी भी क्वेश्चन को चंद सेकंडों में निकाल सकते हो। अभी तो हम पेन से बात कर रहे हैं, पेन से निकालेंगे आंसर, लेकिन थोड़ी थोड़ी समय बाद हमें एक वीडियो दो वीडियो के बाद में देखना, हम बिना पेन से क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे और आप भी करोगे, हम भी करेंगे, ठीक है ना। हम करेंगे तभी तो आप करोगे ना, तो हम बिना पेन से सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर एसआई बराबर कितना हो गया आर इंटू टी। तो यहाँ पर आर कितना दिया था 16%, आर कितना दिया था 16% और टाइम कितना दिया था 2 वर्ष। इसका मतलब एसआई निकल के आ गया हमारा 16 × 32%, एसआई बराबर निकल के आ गया 16 × 32%, कितना आ गया 32% निकल के आ गया। अब यहाँ पर वैसे था कितना 800 रुपये, और ये किसके बराबर है 800 रुपये के बराबर है। जब ये बराबर हो गए तो हम बटे के रूप में अपॉन के रूप में लिख सकते हैं इसको, यानी कि 800 रुपये है 32 के बराबर, 800 रुपये है 32 के बराबर, प्रिंसिपल अपने आप में 100 था तो 100 के बराबर क्या होगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, किससे 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, किससे 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट के कितने आ गए 50 बार, और 2 से कैंसिल आउट के कितने आ गए 16, 16 × 16 और 16 × 5 = 80, 50 × 50 में करेंगे तो कितना आएगा 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो वो प्रिंसिपल कितना था 2500 रुपये था, कितना था 2500, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, अगला क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हम। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% वार्षिक दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिला, राशि याद करना है। तो वहीं फिर मैं फिर बोल रहा हूँ एसआई बराबर आर इंटू टी, एसआई बराबर आर इंटू टी, तो आर कितना है 6%, टाइम कितना है 5, तो 6×5 = 30 हो गए, तो यहाँ पर 30% क्या है साधारण ब्याज, कितना है साधारण रुपये में कितना है 60, तो 60 बराबर है 30 के, तो 100 के बराबर क्या है, जब रुपए में और परसेंटेज में कंपेयर करते तो परसेंटेज आती है बटे के नीचे अपॉन के नीचे, 30 × 60 2×100 में, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना था 200 रुपये था, कहाँ है भैया 200 रुपये, आप बोलोगे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये देखो आप, ये देखो क्या बोल रहा है, 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो 1 महीने का हम साल पे निकालते हैं, देखो ये जो जितना भी इंटरेस्ट हम निकालते हैं किस पे निकालते हैं, साल पे निकालते हैं, वर्ष पे निकालते हैं, 1 रुपये पर 1 माह में कितना पैसा लग रहा है 1 पैसा, तो 12 महीने में कितना पैसा लगेगा 12 पैसे लगेंगे, और 100 पर काउंट की या 1 रुपये पर, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 100 पैसे पर 12 पैसे ब्याज लगा 1 साल का परसेंट में कितना, तो देखो 100 से 100 कैंसिल 12% आ जाएगा आपका, तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये देखो आप अगला क्वेश्चन, 4000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, तो आप समझने की कोशिश करना कि 1 साल में कितना परसेंट होता है। पहले सबसे पहले तो देखो 18 माह में कितना 1.5 साल है, कितना साल है 1.5 वर्ष है, 1 साल में कितना परसेंट मिलता है 12% मिलता है, तो आधे साल में कितना मिल जाएगा 6% मिल जाएगा, तो 1 साल का 12% और आधे साल का 6%, तो 12 और 6 कितने हो गए 18% हो गए, यानी कि हम निकालेंगे 18% किसका, किसका निकालेंगे 4000 का। तो आपको मैंने बताया था कि 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया, तो यानी कि हम यहाँ 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया कितने परसेंट 0 है, तो हम दबा लेंगे, पॉइंट के बाद अगर कोई अंक होगा तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 10% बच गए 400, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 1% बच गया कितना 40, तो 1% की वैल्यू 40, तो 18% की वैल्यू, तो 18×40 में कर दो, 18 × 72 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन देखो, 3000 रुपये की राशि है 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 280 रुपये ब्याज कितने सालों में मिलेंगे, मतलब कितने सालों में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 12% है तो 3000 पर 1 वर्ष में कितना मिलता है, तो 12% निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया 10%, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया कितना परसेंट
1%, 1% की वैल्यू 30 है, तो 12% की 12 30 है 36, यानी कि 360 रुपये आ गए। कितने? 360 रुपये एक वर्ष में मिलेंगे। तो 360 का ये कितना गुना है? 360 का ये गुना है 3 गुना। तो क्यों 360 का 3 गुना कितना जाएगा? 1080 जाएगा। तो 3 वर्ष मिलेंगे, 3 वर्ष में हो जाता है ये। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चल रहे हैं ना हम धीरे धीरे बिना पेन से। माइंड की स्पीड, ये माइंड की स्पीड होती है पेन की स्पीड से कई गुना ज़्यादा। तो आप अगर माइंड की स्पीड से चलोगे ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड नहीं लगने दोगे आप। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 2-3 सेकंड में खत्म, क्वेश्चन खत्म करते जाओगे आप। मैं यकीन दिलवा रहा हूँ ना आपको, बिना पेन से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन आपको हैबिट बनानी होगी मेरे साथ, परिश्रम करना होगा मेरे साथ। बिना परिश्रम के कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। देखो आप आगे देखो, यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद में मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो जाता है, तो मूलधन कितना है? 10 रुपये, और मिश्रधन कितना है? 12 रुपये। बोला है ना, मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन 12 रुपये हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर याद करो, तो 10 रुपये प्रिंसिपल है, 12 रुपये अमाउंट है, मिश्रधन है, तो 2 रुपये तो ब्याज ही मिला हमें। कितना मिला? 2 रुपये ब्याज मिला। तो यहाँ पर देखो आप, 10 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिला। तो 100 पर हमें काउंट करना होता है। किस पर काउंट करना होता है? 100 पर काउंट करना होता है। तो 2 रुपये ब्याज मिला 10 रुपये पर, तो 1/5 आ गया कि नहीं आ गया? और 1/5% को कितना रिप्रेजेंट करता है? 20% को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देखते चलो, बहुत ही ज़्यादा स्पीड आपकी आने वाली है। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। कितने वर्षों के लिए लेता है? 4 वर्षों के लिए लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन कितना है? 5 रुपये, और यहाँ पर ब्याज कितना है? 1। तो ब्याज की दर याद करो, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप कि 1 रुपये कितने साल में मिला? 4 साल में मिला। 1 रुपये कितने साल में मिला? तो आप देख, आपको देखना होगा कि 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला, और ये 1 रुपये ब्याज कितने साल में मिला? 4 साल में मिला। तो परसेंट में कितना होगा? तो 5×20=100, यानी कि 5% इसका आंसर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5%, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक राशि ने 4 साल में 6.25% की वार्षिक दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया है, वह राशि रुपये में कितनी है? तो कुल मिला के बात यह है कि 3200 रुपये जो है ना ब्याज के रूप में मिला है 4 साल में 6.25 की दर से। तो आप समझने की कोशिश करना कि 4 साल का इंटू करेंगे हम दर में, तो R×T बराबर SI, तो इसका इंटू 6×24 25×100, यानी कि 25 के बराबर होगा। 4×6.25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25% की वैल्यू कितनी है? 3200 रुपये। 25% की वैल्यू कितनी है? 3200 रुपये। तो आपको देखना होगा कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होगा? 1/4, 1/4, यानी कि 4 में 1 का ब्याज मिला 3200 रुपये। कितने का? 3200 रुपये। तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी? तो 3200 में 4 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 3200 का इंटू कर देंगे, तो आपको निकल के आ जाएगा ब्याज 0×0, 0×0, 4×2=8 और 4×3=12, यानी कि 12,800 रुपये आपको प्रिंसिपल मिलेगा, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेन भी चलानी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए चलाओ, जितना कम हो सके उतना कम पेन का यूज़ करो, तो ही क्वेश्चन बहुत स्पीड में सॉल्व होगा। जितनी हो सकती है उतनी स्पीड आपको माइंड की बढ़ानी है, और माइंड को बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे उस पर। माइंड टू माइंड हम कैलकुलेशन करेंगे, माइंड टू माइंड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस हम इसी वीडियो, मतलब कि इसी चैनल पर हम करने वाले हैं, मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप भी जुड़े रहिए, आपकी स्पीड बहुत तगड़ी होने वाली है मैथमेटिक्स में। ये क्वेश्चन देखो आप, किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये, तो दर कितनी है? 15%। टाइम कितना है? 3 वर्ष, तो 15×3=45, तो 45% हो गई, और उस पर ब्याज कितना मिला? 7200 रुपये। 45% बराबर है 7200 के बराबर। राशि निकालना है अपॉन में 100, सॉरी इंटू में 100 लगाएंगे,
तो देखो, 9 5 45, 9 8 72, और यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 80, 160 आ जाएगा। 160 में 00 यानी कि 16,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, किसी मूलधन पर 10% दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो समझो बात, 6 माह का ब्याज मतलब कितना है, तो 6 माह मतलब कि आधा साल। कितना साल, आधा साल। 1 साल के लिए परसेंट कितनी, 10, तो आधे साल के लिए परसेंट 5% नहीं हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ हो जाएगी, 5% की वैल्यू 100 रुपये है, 5% की वैल्यू 100 रुपये है, तो वही निकाल लेते हैं हम। तो 5% की वैल्यू यहाँ 100 रुपये है, यहाँ 5 रुपये है, तो 100 में कितनी, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे 20 बार, 20 का इंटू 100 में करेंगे 2000 आ जाएगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, 480 रुपये निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपये हो जाएगी, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो आपको समझना है 20 महीने हैं, कितने महीने हैं, 20 महीने हैं, तो और यहाँ आया कितना, 520 रुपये आया है। कितना आया, 520 रुपये। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर 480 रुपये पर, एक बार और पढ़ लेते, 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए हैं, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपये हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 20 महीने बाद 520 रुपये हुई है राशि, 480 रुपये प्रिंसिपल थे और राशि हो गई मतलब कि अमाउंट 520 रुपये, अर्थात ब्याज कितना मिला है, 40 रुपये। कितना मिला है, 40 ब्याज मिला है। और कितने महीने में मिला है, 20 महीने में मिला है। कितने महीने में, 20 महीने में। तो और 20 महीने में कितने माह में, 20 माह में, यानी कि 1 माह में 2 रुपये। इसका मतलब 12 माह में कितना हो जाएगा, तो 12 का दुगना हो जाएगा, 24 रुपये। यानी कि 1 साल में 24 रुपये ब्याज मिलता है। 1 साल में कितना रुपये ब्याज मिलता है, 24 रुपये ब्याज मिलता है। 1 साल में 24 रुपये ब्याज मिलता है, तो 480 पर कितना परसेंट है, ये तो 0 से 0, 24 एकम 24, 24 दून 48, 2 से कैंसिल आउट किया 5 बार, यानी कि 5% रेट थी उसकी। कितने परसेंट रेट थी, 5% रेट थी उसकी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, इस अगले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया, ब्याज सहित ऋण कुल 191,864 रुपये चुकाया, ए द्वारा लिया गया ऋण कितना था। तो सबसे पहले आप देखो कि 2 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से बी से लिया, तो 8 × 16, तो एसआई कितना हो गया, 16% हो गया। ऐसा ही कितना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया, 16% हो गया। तो अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा, अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि अमाउंट आपको दिया है कितना, 191,864 रुपये, और आपको ऐसा ही आपको दिया है कितना, 2 × 8 = 16%, और अमाउंट बराबर मैंने आपको बताया था P+ SI होता है। तो अमाउंट कितना है, 191,864 है, ये रुपए में है। परसेंट में प्रिंसिपल देखो, 100% और 16%, यानी कि 116% ये होगा। अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे मतलब कि 100% बराबर क्या होगा, ये पूरा का पूरा बेसिक फंडा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से 4 से कैंसिल आउट किया 25 बार, 4 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, यहाँ 4 × 8 और कितने बज गए, 3, और 4 × 9 = 36, तो ये होगा कितने, 29 होगा, यानी कि 29 से कैंसिल आउट होगा, कितनी होगा, 29 से कैंसिल आउट होगा, कहेंगे 29 से, तो 66 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 29 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 66 16 बार, 25 से इंटू कर देंगे
तो 25 शंकी 150 बजगा कितने 15, 25 एकम 25 15 40 बजगा कितने 4, 25 शंकी 150 4 कितने होगा 154 यानी कि 15 फिर बजगा, 25 शंकी 150 और 150 में हमने जोड़ा कितना 15, तो 165 होगा, कितने होगा 165 यानी कि 1,65,400, 1,65,400 डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा।